नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर मोना नगरगड़े, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। आज मैं आपसे गन्ने के बीच में बोई जाने वाली अंतर फसल के बारे में चर्चा करूंगी। गन्ना, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारे देश में 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसे उगाया जाता है, लेकिन हम इस 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में उगने वाले फसल के साथ अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए अंतर फसल एक अत्यंत ही उपयुक्त विकल्प है। अंतर फसल लगाकर हम गन्ने के बीच के स्पेस को और उस समय खाली समय को उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अन्य रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, सॉइल हो गया, इन सब का उपयोग करके हम एक अधिक आय प्राप्त करने का माध्यम देख सकते हैं। अब अंतर फसल हमें लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। गन्ना जब हम बोते हैं, जनरली गन्ना भारत देश में अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है, या फिर फरवरी के महीने में बोया जाता है, या जुलाई के महीने में बोया जाता है। जुलाई में जनरली महाराष्ट्र में उगाया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में या फरवरी के महीने में बोया जाता है। जब हम गन्ना बोते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने बाद इसमें गन्ना थोड़ा ऊंचाई तक पहुंच पाता है। 3 से 4 महीने तक ये इसमें बहुत ही छोटी हाइट होती है, जिसके इसके बीच की दूरी भी हम जब देखते हैं तो 70 से 80 सेंटीमीटर, 90 120 की आसपास होती है। इसलिए इस इतनी बीच की दूरी को हम उपयोग करने के लिए अंतर फसल लगा सकते हैं। अंतर फसल का चुनाव करने के लिए हमें देखना होगा कि वो लाभदायक हो गन्ने के लिए भी, मिट्टी के लिए भी और किसान के लिए भी। उसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो कोई भी एलिलोपैथिक केमिकल ना निकाले कि गन्ने की फसल को वो नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ हमें उसका मार्केट में उपलब्धता भी होनी चाहिए कि हम उसे आसानी से बेच सके और अपना उसे आय प्राप्त कर सके। तो गन्ने में हम बात करते हैं बहुत सारी अनाज वाली फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, स्पाइसेस, चारा वाली फसलें का, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनाज वाली फसलों की। अनाज वाली फसलों में हम देखते हैं जनरली गन्ना जो होता है नॉर्दर्न इंडिया में, क्या होता है कि हम गेहूं के बाद गन्ना, गन्ना के बाद रटून, रटून के बाद फिर गेहूं लगाते हैं। इस क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम जब लगाते हैं तो जो गेहूं की बुआई है, कटाई के बाद हम गन्ना लगाते हैं, जिसके कारण से गेहूं को काटने में लगभग अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद ही हम गन्ना लगा पाते हैं। तो जो 1-1.5 महीने का समय होता है, जनरली फरवरी का महीना बहुत ही उपयुक्त समय होता है गन्ना लगाने के लिए, तो वो 1-1.5 महीने का डिले हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसे में गेहूं को गन्ने के साथ में यदि हम अंतः फसल के रूप में लेते हैं, ना कि क्रॉपिंग सिस्टम के रूप में, तो हम एक समय की बचत करके और अच्छे से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं गन्ना और गेहूं सिस्टम में। इसके लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि रेस्ड बेड मेकर होता है, उसकी सहायता से बेड बनाया जाता है और उस बेड के बीच का जो दूरी होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है और उसके बीच में नालियां होती है, दो बेड के बीच में नालियां होती है। तो बेड पे आपको हमेशा अक्टूबर नवंबर के महीने में गेहूं की बुआई करना है। गेहूं की 3 लाइन लगभग बो सकते हैं आप 15 से 17 सेंटीमीटर दूरी के बीच में, और उसके बाद फिर जब आप गेहूं बोते हैं अक्टूबर के महीने में, उसके बाद अब हल्की सी नालियों में सिंचाई आपको करनी है, जिससे कि बेड के 3/4 भाग तक नमी पहुंच सके, जिसके कारण बहुत ही यूनिफॉर्म और बहुत ही अच्छे से अंकुरण आपको गेहूं में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब गेहूं क्या कहते हैं भी 3-4 महीने का हो जाता है, फरवरी से मार्च के महीने के बीच में आपको गन्ने को लगाना है। गन्ने को जब लगाना है तो जो
बेड है और दो बेड के बीच की नालियां हैं। नालियों में आपको हल्का सा शाम के टाइम में सिंचाई करनी है और उसमें सुबह सुबह आपको गन्ने के सेट्स जो होते हैं आप काटते हैं दो आंख वाले टुकड़े या तीन आंख वाले टुकड़े जो भी आप ले रहे हैं उनको आपको लगा देना है। इससे क्या होता है कि पानी का आप उपयोग कर सकते हैं, आप यदि दोपहर में करेंगे तो थोड़ा नमी कम हो जाएगी, इसलिए आपको शाम में सिंचाई करना है जिससे कि नमी बनी रहे और अगले दिन गन्ने के टुकड़े की बुआई करके हल्की सी मिट्टी चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा कि आप गन्ने की बुआई भी टाइम से कर सकते हैं और गेहूं को आप एज ए अंतर फसल ले सकते हैं। इससे क्या होता है आपको पानी भी बहुत कम, उसी उतने ही पानी, उतने ही फर्टिलाइजर, उतने ही समय में आपको गेहूं भी मिल जाएगा और क्या कहते हैं गन्ना भी मिल जाएगा। अब यदि आप ऐसे यूज करते हैं तो आपको गेहूं फिर गन्ना फिर रतून फिर गेहूं ऐसे लगाना पड़ता है, तो आप इससे बच सकते हैं और साथ में अपने समय का उपयोग कर सकते हैं और बीच में गेहूं से आप आय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं गन्ना एक 8 महीने से 12 महीने तक फसल पकने वाली फसल है, तो उस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आप स्प्रिंग वाले उसमें आप रबी मेज का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें अंतर फसल के रूप में गन्ने के बीच में। अब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, जैसे कि अभी अंतर फसल मीन्स हमारे जहन में आता है दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं जिसका उपयोग करने से आपको जो किसानों के लिए तो फायदेमंद होती ही होती है, पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयुक्त फसल होती है। जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को उसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो क्या होता है कि जब हम अंतर फसल के रूप में जैसे राजमा हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, आप ये सब लगाते हैं तो क्या कहते हैं गन्ने के बीच में ये जो मिट्टी की उर्वरता है उसको बनाए रखने में सहायता करती है। साथ ही साथ आपको कम नाइट्रोजन वाले उर्वरक प्रयोग करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस अंतर फसल के उपयोग करने से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो रही है। कम से कम आपको 25-30 केजी से तो कम ही नाइट्रोजन आपको उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल आप गन्ने में उपयोग कर रहे हैं जितना नाइट्रोजन, क्योंकि उससे और आप देखेंगे कि आप यदि दलहनी फसलें अंतर फसल के रूप में ले रहे हैं तो आने वाला आपका रतून क्रॉप भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप उसमें और भी कोई दूसरी फसल ले रहे हैं तो वो भी अधिक उत्पादकता के साथ आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं दलहनी फसल, उसके बाद बात करते हैं एक ऑप्शन के रूप में हमारे पास सब्जी वाली फसलें भी हैं। सब्जी वाली फसलें आपको बहुत ही अधिक आय प्राप्त करने का साधन हो सकती है। सब्जी वाली फसलों में हम सबसे पहले देखते हैं तो आलू सबसे उपयुक्त फसल है। जो गन्ना हम अक्टूबर नवम्बर में लगाते हैं उस गन्ने में आलू जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आय प्राप्त करने वाली फसल है। आलू आप लगाते हैं, आलू की जब आप कटाई करते हैं, कटाई करते समय आप उसमें उसको निकालते हैं जब, तो उसके कारण जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं उससे गन्ने को बहुत ही ज्यादा एयरेशन गन्ने की रूट्स को मिलती है, जिसके कारण गन्ने में बहुत ही अच्छी वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही साथ अब कॉलीफ्लावर, कैबेज, नूल फूल, रैडिश, कैरेट आप ये सब भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओनियन गार्लिक जैसे हाई वैल्यू में आपको देखनी है ओनियन गार्लिक, ये सब भी फसल आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तिलहनी फसलों में। तिलहनी फसलों में जैसे कि सीसम हो गया और सोयाबीन हो गया, ये सब आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइस वाली फसलें। स्पाइस वाली फसलें जनरली बहुत ही अच्छी होती है, इसके कुछ सेंट होने के कारण आप इंसेक्ट पेस्ट से भी बच सकते हैं। स्पाइस वाली फसलों में ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ चारा वाली फसलें। चारा वाली फसलें जैसे कि बरसीम, जब आप इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं आप इसमें रतून
के साथ में भी बरसिंग का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब आप स्प्रिंग प्लांटेड शुगर केन में रटून इनिशिएटेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में आप जब बरसिंग लगाते हैं, बरसिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ ये नाइट्रोजन फिक्स भी करती है। तो बरसिंग जो होता है बहुत अच्छे से सतह को, दोनों गन्ने की लाइनों के बीच की सतह को बहुत अच्छे से कवर कर देता है, जो एक मल्च के रूप में काम करते हैं। तो इसमें पानी की भी बचत होती है, साथ ही साथ वीड्स भी नहीं आते हैं और भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। और आप उसको ऐसे थोड़ी कुछ दिनों में काट कर चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब चारे वाली फसलों के बाद हम बात करते हैं कुछ ग्रीन मैन्योरिंग वाली फसलें। ग्रीन मैन्योरिंग बहुत ही एक उपयुक्त साधन है भूमि की उर्वरता को बनाए रखने का। तो ग्रीन मैन्योरिंग में हम बात करते हैं ढीचा, सनहेम, इसको हम गन्ने के बीच में लगा दें और उसके बाद उसको उसी में या तो काट के इनकॉर्पोरेट कर दें, तो वो आपके भूमि के बीच में तो एक एज ए मल्च का काम करेगा, वीड्स भी नहीं आने देगा और आपका 25 से 30 केजी नाइट्रोजन तो वो फिक्स कर ही देता है। तो आपको सक्सेसिव क्रॉप उस क्रॉप में 25 से 30 केजी कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रीन मैन्योरिंग वाली फसल को भी अंतर फसल के रूप में लेकर आप उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इतनी सारी फसल में हम ज्यादातर देखा जाए तो हम अपने एरिया के हिसाब से, अपने जिस एरिया में हम उगा रहे हैं वहाँ के वातावरण और वहाँ की उपलब्ध साधनों के अनुसार फसल का चयन करें और गन्ने के बीच में बोकर उस समय को और उस जगह को, समय और जगह का दोनों का उपयुक्त उपयोग करके अधिक लाभ अंतर फसल, गन्ने में अंतर फसल करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही उपयुक्त साधन है आय में वृद्धि का। धन्यवाद।